हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जीरो मशीन 3300 या 2200 से या 2830 हो या आपकी 3125 हो या जो भी मशीनें हैं उनमें प्रिंटिंग क्वालिटी जो है डल आ रही है या प्रिंट क्वालिटी डार्क नहीं आ रही है। देखिए अभी मैं ये प्रिंट आउट निकाला है, दिखाता हूँ। ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, कहीं डार्क है कहीं हल्का है, इस तरह का ये प्रिंट आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कहीं डार्क आता है या कहीं हल्का आता है, वाइट लाइन जैसी आती हैं, मतलब अक्षर जो भी हैं डार्क नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रंट डोर ये खोलेंगे और इसकी डीपी है जो जिसमें आप टोनर भरते हैं, ये इसको बाहर निकाल लेंगे। लॉक नीचे करके ये इसको बाहर निकाल लेंगे और इसमें लगे हुए ये पेच हैं ऊपर, ये सारे पेच खोल लेंगे। ये डीपी के इस स्याही पर इस पर नहीं चिपक रही है, ये जो टोनर है वो कम चिपक रहा है, वेस्टेज के कारण या घिसने के कारण या जो भी है। तो आप क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। मैंने इसको पहले से ही खोल लिया है ताकि वीडियो लंबा ना बने। इसको खोलने के बाद ये सारा टोनर इसके अंदर है वो आप किसी पेपर पर उलट लेंगे। इस तरह मैंने वैसे पहले ही निकाल लिया था, थोड़ा बहुत बचा है वो भी, और इसमें और ये जो रॉड है मैग्नेटिक रॉड, इस रॉड को आप घुमाते जाएंगे उल्टी तरफ के लिए, इस पर जो टोनर चिपकेगा उसको उंगली से नीचे करते हुए छुटाते रहेंगे। ये इस तरह से ये चिपका हुआ रहा, इसको आप उंगली से नीचे कर करके सारा छुटाएंगे। इसके बाद हाँ थोड़ा बहुत हिला के उल्टा करके इसमें एक दो हाथ मार देंगे ऊपर से थोड़ा सी चोट, ताकि इसमें जो रुका हुआ हो टोनर हो वो सारा इस पर से आ जाए। ये अब जो अंदर रह गया है थोड़ा बहुत, उसके लिए अब क्या करेंगे, ब्लोअर लेंगे और ब्लोअर के माध्यम से इसको साफ करेंगे। पहले पूरा यहाँ जहाँ भी इसमें टोनर भरा हुआ हो वो सब टोनर के माध्यम से सब निकाल देंगे, बिल्कुल जीरो मैग्नेट पर भी मारेंगे ताकि मैग्नेट पर चिपका हुआ हो उसको घुमा के ये इस तरह से धूल उड़ेगी, पूरा साफ करेंगे। ब्लोअर के माध्यम से जब ये साफ हो जाएगी, घुमा के रॉड जो मैग्नेट रॉड है उसको घुमाते जाएंगे और साफ करते रहेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी क्लीन हो जाए, और कपड़ा मार के इसको साफ कर लेंगे। जब ये रॉड बिल्कुल साफ हो जाएगी उसके बाद इसमें टोनर आप भर देंगे, और भरने के बाद फिर आप लगाएंगे इसको। टोनर थोड़ा सा इंस्टॉल करेंगे उसके डालने के बाद, मैंने इसमें थोड़ा सा टोनर डाल दिया, ज़्यादा नहीं भरेंगे इसको, थोड़ा सा टोनर डाल के इसको इंस्टॉल करेंगे, लॉक लगाएंगे, और इंस्टॉल करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट देखेंगे। मैंने इंस्टॉल कर लिया, उसको स्किप मार दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, और एक टेस्ट प्रिंट आपको निकालता हूँ। जब टेस्ट प्रिंट देखते हैं किस तरह का आएगा, अभी जो उससे पहले दिखाया था उसमें टेस्ट प्रिंट हल्का आ रहा था, कहीं डार्क आ रहा था, इसका देखते हैं किस तरह का आता है। ये इसका टेस्ट प्रिंट देखिए, इसके बाद ये जो वाइट लाइन आ रही थी वो कहीं भी नहीं आ रही, अब देखो सब बहुत कम हो गई और प्रिंट भी बहुत डार्क हो गया है, एकदम क्लीन प्रिंट आएगा, बहुत डार्क आएगा। इस तरह से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।